लाइवस्टॉक सेक्टर से रिलेटेड, और इसको आप डायरेक्टली इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रेयरिंग जीएस पेपर 3 के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो, आप सभी पढ़ते हो लाइव स्टॉक सेंसिस के बारे में। आप सभी जानते हो कि सेंसिस के हिसाब से ना इंडिया के अंदर वर्ल्ड के सबसे ज्यादा लाइव स्टॉक है, राइट? अब अच्छी बात है कि वर्ल्ड के सबसे ज्यादा लाइव स्टॉक इंडिया के अंदर ही है, बट कहीं ना कहीं आप एक चीज रियलाइज कर रहे हो, इंडिया के अंदर इवन अगर वर्ल्ड के हाईएस्ट लाइव स्टॉक है, पर तब भी शायद इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर आज भी उतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा, राइट? तो कुछ ना कुछ इश्यूज हैं यहां पर भी हमारे लाइव स्टॉक सेक्टर के अंदर, उनको कैसे टैकल करना है इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। पर देखो, एग्रीकल्चर को भी ना आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, एक तो जैसे हमारे क्रॉप्स हो गया, और बाकी जो अदर एक्टिविटीज, जो अलाइड एक्टिविटीज मान सकते हो। तो उसमें से अगर हम बात करें जैसे लाइव स्टॉक सेक्टर की, तो लाइव स्टॉक सेक्टर में आप एक चीज रियलाइज करो, यहां पर क्या है, ये जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा है। पॉइंट समझ पा रहे हो? देखो, क्रॉप से भी हमारी आउटपुट आता है, बट लाइव स्टॉक के लिए जितना इनपुट चाहिए और जितना आउटपुट आता है वो काफी अच्छा है। अगर मैं बात करूं, देखो पिछले 5 सालों में, 5 सालों के अंदर लाइव स्टॉक सेक्टर ना 8% से भी ज्यादा ग्रो किया है, जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होती है ना, इसकी 8% से भी ज्यादा है। एग्रीकल्चर जीडीपी में लगभग 27 से 28% अकेला कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है, लाइव स्टॉक सेक्टर का। 10% पॉपुलेशन जो रूरल कम्युनिटी है उसको उसको रोजगार देने का काम कौन करता है, लाइव स्टॉक सेक्टर। तो इंपॉर्टेंस तो इसको काफी है, बट पिछले कुछ टाइम के अंदर कुछ इश्यूज देखने को मिले हैं, उनको एक बार समझते हैं कि राइटर यहां पे कहना क्या चाह रहा है। देखिए, एनिमल हस्बेंड्री की राइटर बात कर रहे हैं, जहां पर क्या है कि इंडिया के पास बहुत एक मेजर लाइफ स्टॉक सेक्टर है, बट कहीं ना कहीं यहां पर आप बाकी चीजें भी देखो कि जैसे चैलेंजेस की बात करें, स्कैर्सिटी ऑफ फीड एंड फॉडर, प्रॉपर फीड नहीं मिलती इनको, फॉडर की दिक्कत आती है, साथ ही साथ डिजीजेस आउटब्रेक। आप सभी ने पिछले कुछ टाइम के अंदर लंपी स्किन डिजीज का नाम सुना है, ठीक है? तो इस डिजीज से काफी सारे, हमने देखा है कि कैटल की काफी डेथ हुई है, पर ये इकलौती एक डिजीज नहीं है, इसके पहले भी फुट एंड माउथ डिजीज हो गया, राइट? ब्लैक क्वार्टर इंफेक्शन, इन्फ्लुएंजा, इस तरह की हजारों आउटब्रेक्स हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं इससे क्या हुआ है, इससे हमारे एनिमल्स की डेथ हो जाती है, या उनका जो कैपेसिटीज है वो कम हो जाती है। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं, लाइव स्टॉक एक्सटेंशन कम है, अनऑर्गेनाइज मार्केट्स हैं। तो इस तरह के कुछ इश्यूज की बात राइटर कर रहे हैं कि इन चीजों को हमें देखने की जरूरत है। बात करें थोड़े से कि क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, तो आप देख पा रहे हो कि लेटेस्ट ट्रेंड्स के हिसाब से लगभग 28% जो कंट्रीब्यूशन है, इस पर ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो जीवीए होता है, उसके अंदर 28% लाइव स्टॉक का कॉन्ट्रीब्यूशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो कहीं ना कहीं दिखाता क्या है कि इंपॉर्टेंस इसकी काफी ज्यादा है। और इवन अगर हम बात करें देखो जेंडर इक्वालिटी की, तो यहां पर भी लाइव स्टॉक का इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि अक्सर आप देखते हो कि फीमेल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए। इसके अलावा देखो, हमारे किसान भाई जो हैं, आप जानते हो काफी बार ऐसे सिचुएशन आती हैं कि किसी ना किसी वजह से ना क्रॉप फेलियर की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। कभी मान लीजिए कोई सूखा पड़ गया, या फिर कहीं बार बाढ़ ज्यादा आ गई, ठीक है, इस तरह की चीजें हो जाती हैं। तो अगर मान लो क्रॉप्स के साथ साथ हमारे जो किसान भाई हैं वो लाइव स्टॉक को भी करे, उससे क्या होगा, एक तरह से क्या होगा, हमने चीजों को क्या कर दिया, डाइवर्सिफाई कर दिया। अगर क्रॉप फेल भी होगी तो हमारे किसान को ये डर नहीं लगेगा कि मैं अपनी फैमिली का पालना कैसे करूंगा, उसके पास लाइव स्टॉक है, थोड़े बहुत पैसे वो यहां से कमा लेगा। तो एक तरह से जो हमने देखा ना कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो लेटेस्ट रिपोर्ट थी, उसमें बताया गया था कि 10,000 से भी ज्यादा फार्मर्स ने सुसाइड किया। तो ये फार्मर सुसाइड है, इसको टैकल करने के लिए हम थोड़ा लाइव स्टॉक को भी प्रमोट कर सकते हैं, और एक तरह से हमारे जो क्रॉप फेलियर से रिगार्डिंग जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व किया जाता है, क्योंकि फार्मर्स की इनकम को हमने क्या कर दिया, डाइवर्सिफाई। इवन जो अशोक दलवाई कमेटी थी, जिन्होंने बात क्या करी थी कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी करनी है, उन्होंने भी लाइव स्टॉक को एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट माना था इस पर्टिकुलर चीज के साथ ही। इसके अलावा देखो, इंपॉर्टेंस इसके साथ और भी बहुत सारी जुड़ी हुई है, जैसे कि आजकल अक्सर आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो हिडन हंगर का मुद्दा। अगर हिडन हंगर, जो कहीं ना कहीं माल न्यूट्रिशन, इस तरह की चीजों को टैकल करना है ना, तो लाइव स्टॉक का सेक्टर का इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? जैसे मान लीजिए यहां से हमें मिल्क मिल रहा है, एग्स मिल रहे हैं, तो हमारे जो फूड एंड न्यूट्रिशन है उसको इम्प्रूवमेंट करनी है, तो उसमें डेफिनेटली लाइव स्टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की परफॉर्मेंस काफी खराब है, इस चीज को अगर इंप्रूव करना होगा तो उसके पीछे लाइव स्टॉक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके साथ ही देखो, राइटर्स ने कुछ डेटा भी दिया है, जैसे आप देख सकते हो कि नियरली नेशनल इकोनॉमी के लिए 5% डेयरी का कंट्रीब्यूशन है, और नियरली 80 मिलियन फार्मर्स को ये डायरेक्टली इंप्लॉय करता है, और इनडायरेक्टली भी बहुत सारे को यहाँ पे इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड हो रही है। साथ ही साथ जेंडर इक्वालिटी में भी इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। उसके साथ ही
यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल है इन टर्म्स ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, फर्टिलाइजर्स आप जानते हो इनके द्वारा आते हैं एंड उनको हम यूज कर सकते हैं। देखो अगर आपने ना जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी की 15 अगस्त की स्पीच सुनी हो तो यहाँ पर इन्होंने नेचुरल फार्मिंग के ऊपर बहुत बात करी थी, और इसी नेचुरल फार्मिंग का एक प्रकार है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ठीक है, ZBNF बोलते हैं ये। एक्चुअली सुभाष पालेकर जी का आइडिया है। यहां पर क्या होती है कि हम क्या कर सकते हैं, एक तरह से कोरिलेशन लेके आ सकते हैं किस चीज के बीच में, हमारे जो क्रॉप्स हैं और साथ ही साथ लाइफ स्टॉक, जो इनपुट्स जो हमें आउटपुट यहां से आए लाइफ स्टॉक के, उनको इनपुट्स की तरह यूज किया जा सकता है क्रॉप्स के अंदर। एंड जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो एनिमल्स का जैसे जो डंग होता है, ठीक है, उसको एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जाता है क्रॉप्स के अंदर। तो हमारी जो डिपेंडेंस है वो क्रॉप के कॉरस्पॉन्डिंग जो अलग अलग फर्टिलाइजर हम मार्केट में मिलते हैं, तो मार्केट बेस्ड फर्टिलाइजर की डिपेंडेंस कम होगी। क्यों? क्योंकि हमने जो लाइफ स्टॉक से हमारे पास जो वेस्ट है मान लीजिए उसको हम यूज कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सकती है। इससे फार्मर्स का फायदा है, कैसे? क्योंकि फार्मर्स के इनपुट कॉस्ट कम होगी। ठीक है, जीरो बजट का मीनिंग क्या है कि पैसा कम लग रहा है ना, तो फार्मर्स का इनपुट कॉस्ट कम होगी तो इकोनॉमिक फायदा भी है और साथ ही साथ इकोलॉजिकल फायदा भी है। क्यों? क्योंकि हमें अब केमिकल फर्टिलाइजर नहीं यूज करने पड़ रहे, हमारा लाइफ स्टॉक ही हमारी हेल्प कर रहा है फर्टिलाइजर्स के लिए। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इसके लाइफ स्टॉक के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। साथ ही साथ बायोगैस प्रोडक्शन के साथ भी आप इसको लिंक कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि हर साल कितना नियरली 300 मिलियन टन जो होता है वो डंग हर साल फ्यूल के लिए यूज किया जा सकता है जो कि एनिमल बेस्ड से होता है। ठीक है, साथ ही साथ हमारी फॉरेन एक्सचेंज के लिए, ठीक है, फॉरेक्स अर्निंग भी इसके लिए काफी हाई पोटेंशियल है। जैसे हो गया हमारा वूल हो गया, हमारा लेदर हो गया, इस तरह की चीजों का एक्सपोर्ट पोटेंशियल काफी ज्यादा है। तो ये सारी चीजें थी जो हमें कहीं ना कहीं क्या दिखाती हैं कि लाइफ स्टॉक सेक्टर का इंडियन इकोनॉमी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। और आप सिर्फ इसको इकोनॉमिक एंगल में मत देखो, इसको इकोलॉजिकल एंगल, बायोगैस के अंदर, फॉरेक्स के अंदर, हर एंगल में आप देख सकते हो हमारे फार्मिंग कम्युनिटी की हेल्प के लिए, हर एंगल में आप कहीं ना कहीं देख सकते हो कि लाइफ स्टॉक का इंपॉर्टेंट रोल है। पर जहां रोल है वहां कुछ चैलेंजेस भी हैं। एनिमल डिजीजेस अभी मैंने आपको बताया, लंपी स्किन डिजीज बताया, उसके अलावा साथ ही साथ फुट एंड माउथ डिजीज हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ब्लैक वाटर इन्फेक्शन, इससे बहुत सारी डेथ्स होती हैं। इवन देखो अभी राजस्थान के अंदर तो बहुत ही एक मेजर केस हुआ था जहां पर ऐसा मान रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन कैटल से भी ज्यादा की उनके डायग्नोज किया गया उनको, ठीक है। साथ ही साथ केरला के अंदर भी अफ्रीकन स्वाइन फीवर हो गया। तो इस तरह के कुछ ना कुछ डिजीज हमें देखने को अक्सर मिलती ही रहती हैं। उसके साथ ही फीड एंड फॉडर, ये मैंने आपको आर्टिकल की स्टार्टिंग में भी बताया था कि इसकी शॉर्टेज हमें देखने को मिल रही है, एक तरह का डेफिसिट है। उसके लिए भी हमारे पास, हमारे जो राइटर हैं वो बताते हैं कि इस तरह से हमारे पास फॉडर प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं है। साथ ही साथ फाइनेंशियल अटेंशन, अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। देखो हो क्या रहा है, लाइफ स्टॉक का ना 28% कॉन्ट्रीब्यूशन है GDP के अंदर। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि अगर इसका कॉन्ट्रीब्यूशन GDP के अंदर है तो इसको क्रेडिट भी तो मिलना चाहिए ना। तो हो सकता है मान लो 28% मिल जाए तो बोल सकते हैं कि प्रोपोर्शनल हो, बट नहीं, इसको हम दे ही नहीं रहे क्रेडिट, अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 12% मिल रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि हम इस सेक्टर के ऊपर खर्च ज्यादा कर रहे हैं जबकि आउटपुट इससे बेहतर आ रहा है। तो आउटपुट जिससे बेहतर आ रहा है तो क्रेडिट उसको मिलना चाहिए ना, फाइनेंशियल इंटेंशन उसके ऊपर ज्यादा होनी चाहिए, बट ऐसा इंडिया में अभी करेंटली नहीं हो रहा। उसके साथ ही हमारी प्रोडक्ट मार्केट काफी अंडर डेवलप्ड है, ठीक है, जैसे कि मार्केट्स का एक्सेस नहीं है। इवन जैसे नीति आयोग ने भी बोला है कि हमारे जो पोस्ट प्रोडक्शन के रिगार्डिंग जो चीजें हैं इसमें देखने को मिलती हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, स्टोरेज हो गया, प्रॉपर मार्केट लिंकेज हो गया, वो मिसिंग होने की वजह से हम काफी एक मेजर चंक हमारा लूज कर जाते हैं। इसके साथ ही क्रॉस ब्रीडिंग के रिगार्डिंग कुछ इश्यूज हैं। देखो क्रॉस ब्रीडिंग के डेफिनेटली कुछ फायदे भी होते हैं, बट ऐसा भी देखा गया है कि जब होती है बात क्रॉस ब्रीडिंग की तो उससे कई बार कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है डिजीज के कॉरस्पॉन्डिंग। एनवायरनमेंट में जो नए नए चेंजेस आ रहे हैं उसके बेसिस पे भी अडेप्टेशन मुश्किल हो जाता है कई बार क्रॉस ब्रीडिंग के, तो उसके भी हमें नेगेटिव्स कई बार देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पर आप क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट भी समझ सकते हो, ठीक है, क्लाइमेट चेंज का सिर्फ ह्यूमंस के ऊपर इम्पैक्ट नहीं है, एनिमल्स के ऊपर भी बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, जो चीज़ आप यहाँ पर समझ सकते हो। और इसके साथ ही आप इनफैक्ट ना इनफॉर्मल सेक्टर का भी रोल देखो, हमारे इंडिया में जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है मोस्टली इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है, जैसे अनरजिस्टर्ड स्लॉटर हाउसेस हो गए, मीट प्रोडक्शन उन्हीं से ज्यादा होती है। उससे क्या होता है, एक तो क्वालिटी खराब हुई, क्वालिटी खराब हुई तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग क्या हुआ, फिर जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल था वो कम हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या आ गए, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी बैरियर्स।
तो इस तरह के बैरियर्स की वजह से भी ना जो हमारा पोटेंशियल था, एक्सपोर्ट पोटेंशियल कह लो या फिर फार्मर्स का अर्निंग पोटेंशियल था, वो काफी कम हो जाता है। तो ये सब चैलेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं अलॉन्ग विद द अदर एडुकेट एक्सटेंशन सर्विसेज जिनकी बात कर रहा है, कि जैसे वेटनरी सर्विसेज हो गया, वैक्सीनेशन हो गया, डिजीज को कैसे कंट्रोल करना है प्रॉपर। ऐसा भी देखा गया था, अभी रिसेंटली एक सर्वे आया था कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, वेटनरी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, अगर है तो वो पुअर क्वालिटी का है, टेस्टिंग फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज फिर कॉरेस्पॉन्डिंगली काफी खराब है। तो ये सब इश्यूज यहाँ पे राइटर ने नोटिस किए हैं। उसके साथ ही देखो राइटर बात कर रहे हैं कि इनके लिए सोल्यूशंस भी तो चाहिए, जैसे कि पहला है फॉर्डर सिक्योरिटी। देखा था ना कि फूड एंड फॉर्डर शॉर्टेज है यहाँ पे, तो एडुकेट अटेंशन यहाँ पर भी हमें पे करने की जरूरत है। एंड इवन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की एक रिपोर्ट आती है जिसमें बात करी गई है क्या कि नियरली 500 मिलियन टन क्रॉप रेजिड्यू का हर साल इंडिया जनरेट करता है, जिसमें से 92 मिलियन टन तो बर्न हो जाता है। अब अगर इसको हम चीज को रोक पाए तो डेफिनेटली ये क्या सर्व कर सकता है, एनिमल फॉडर के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है। तो जिस हम बात कर रहे हैं ना कि शॉर्टेज की, फूड सिक्योरिटी का शॉर्टेज है, फॉडर सिक्योरिटी का शॉर्टेज है, या फिर फॉडर नहीं है, तो उसको हम इसके इसके थ्रू टैकल कर सकते हैं। उसके अलावा देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं जेनेटिक सर्विलेंस की। ये जो इतनी सारी डिजीजेस आउटब्रेक होती हैं, अगर इनको प्रिवेंट करना है तो वो कैसे हो सकती हैं, जेनेटिक सर्विलेंस से हम इनका बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हैं। इसके साथ ही आजकल ना हमारे पास बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस आने लग गए हैं जिनके बेसिस पे, जैसे मान लीजिए हमने कोई पर्टिकुलर कैटल है उसका हम टेम्परेचर मॉनिटर कर सकते हैं, या फिर जो और उनके इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं उनको हम रेगुलेट कर सकते हैं, उसके बेसिस पे हम देख सकते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं, एंड उनको हम डेटा ड्रिवन बेसिस के ऊपर हम उनके चेंजेस को नोटिस करते हुए कुछ प्रॉपर टाइमली एक्शंस ले सकते हैं, और जिससे ये इस तरह के आउटब्रेक्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। साथ ही साथ यूनिफाइड लाइफ स्टॉक मार्केट आप देख सकते हो, जैसे अमूल का एग्जाम्पल अब आप सभी जानते हो व्हाइट रेवोल्यूशन का, जहां पर वर्गिस कुरियन जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, राइट। तो ये सारी चीजें भी अगर हम आज के टाइम पे करें जहां पर इंडस्ट्री और फार्मर के बीच में प्रॉपर लिंकेज हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इस लाइफ स्टॉक का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। साथ ही साथ राइटर बात करते हैं इंडिजीनियस ब्रीड जीन बैंक्स की, ताकि जो इंपॉर्टेंट जीन्स हैं उनको हम स्टोर कर पाएं, उनको हम प्रोटेक्ट कर पाएं, ताकि आने वाले टाइम के अंदर अगर कुछ चेंजेस भी आते हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट के अंदर हो, तभी भी हमारे पास कुछ अच्छे जीन्स हो जिसके बेसिस के ऊपर हम इन चीजों को, हमारा जो लाइफ स्टॉक सेक्टर उसको और बेहतर कर पाए, ठीक है। साथ ही साथ जो हमने और इश्यूज पड़े थे वेटनरी के रिगार्डिंग, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ जो सर्विसेज हैं उनको एक्सपेंड किया जाना चाहिए, एम्बुलेंस सर्विसेज हो गया, प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया, जो टेस्टिंग फैसिलिटीज कमी थी, ठीक है, तो वो सारी चीजों को ठीक करने की बात यहाँ पे कर सकते हैं। एंड लास्टली राइटर बात करते हैं वन हेल्थ अप्रोच की। अब वन हेल्थ अप्रोच क्या है, देखो एक ऐसी अप्रोच जहां पर ह्यूमन हेल्थ, एनवायरमेंट हेल्थ एज वेल एज एनिमल हेल्थ, ये तीनों का जहां पे कॉम्बिनेशन आता है ना, उसको बोल देते हैं वन हेल्थ अप्रोच। यानी कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी ह्यूमन हेल्थ अच्छी है तो बस ठीक है, नहीं, हमें एनवायरमेंट को भी साथ लेकर चलना है, हमें एनिमल्स को भी, बेसिकली पूरे क्लाइम पूरे हमारे ना पूरे एनवायरमेंट को अगर हम साथ लेकर चलें, अलग अलग एस्पेक्ट्स को साथ लेकर चलें, क्यों, क्योंकि आपस में एक दूसरे का ना इंटरडिपेंडेंस है हमारी। ऐसा नहीं है कि कोई चीज सिर्फ एनिमल्स को इंपैक्ट करती तो हमें नहीं करती, या कोई चीज एनवायरमेंट को इंपैक्ट करती तो हमें नहीं करती, नहीं, सारी चीजें एक दूसरे को इंपैक्ट करती हैं। तो अगर हमारी अप्रोच वन हेल्थ अप्रोच जैसी होगी तो ये चीजें हमें हेल्प कर सकती हैं। इसके साथ ही देखो गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राइट। उसके साथ ही हमने हेल्थ कार्ड भी इशू किए हैं, इनफैक्ट ना हमारे जो लाइफ स्टॉक है उनके लिए हेल्थ कार्ड इशू किए हैं जिनका नाम क्या रखा है, नकुल स्वास्थ्य पत्र। तो इस तरह के गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं। साथ ही हमने नेशनल जो नबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, साथ ही साथ नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC, इन्होंने भी बहुत सारे एफर्ट्स लिए हैं, जैसे कि पशु संजीवनी हो गया, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट हो गया, इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स आ रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि लाइफ स्टॉक सेक्टर को और गवर्नमेंट अच्छे से प्रमोट कर रही है, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे आपने देखा कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है लाइफ स्टॉक सेक्टर का, और अगर हमें एग्रीकल्चर को और हमारे फार्मर्स की सिचुएशन को और बेहतर करना है, वहां पर लाइफ स्टॉक सेक्टर का एक मेजर रोल होने वाला है, ठीक है। तो ये था सेकेंड